बार का, जहां पर प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत जनसभा को संबोधन दे रहे हैं। विधायक भानुचंद जी मेघवाल साहब, विधायिका श्रीमती निर्मला सहरिया जी, जिला अध्यक्ष भाई कैलाश मीणा जी, वरिष्ठ नेता संजय गुर्जर जी, हमारे पूर्व विधायक छबड़ा करण सिंह जी, श्रीमती मीनाक्षी चंद्रावत जी, रामलाल जी प्रधान साहब, सुरेश गुर्जर जी, मदनलाल जी वर्मा, शैलेंद्र यादव जी, रामलाल जी चौहान, मोहन जी राठौड़, ज्वाला प्रसाद जी शर्मा, नफीर अहमद साहब, फरीद चौधरी जी ब्लॉक अध्यक्ष, हरसाई जी मीणा साहब पूर्व मंत्री, राम गोपाल जी झारवाल साहब पूर्व विधायक, भैरू सिंह जी बापू और तमाम उपस्थित हमारे नेतागण, उपस्थित बुजुर्गों, भाई और बहनों, नौजवान साथियों, मुझे खुशी है कि आप लोग जिस रूप में यहाँ बैठे हुए हैं, ए भाई शांत रहो, ए शांत रहो, मुझे खुशी है कि जिस रूप में आप ये बैठे हुए हैं, ये इस बात का प्रतीक है कि आप सबका आशीर्वाद, आपका सहयोग, आपका समर्थन कांग्रेस के उम्मीदवार प्रमोद शर्मा जी को मिला है। इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। हम सबकी सलाह से प्रमोद शर्मा जी को राहुल गांधी जी ने कांग्रेस का उम्मीदवार घोषित किया और हम सब अपील करने आए हैं कि आप लोग कृपा करके इस बार इतिहास बनाओ और प्रमोद शर्मा जी को आशीर्वाद देके कामयाब करके दिल्ली की पंचायत में भेजो। ये जाएंगे चुनाव जीत करके, हम सब ये कहने आए हैं, चुनाव के बाद में भी आपके बीच में आते जाते रहेंगे, आपके सुख दुख में साथी रहेंगे और झालावाड़ की समस्याओं को दिल्ली की पंचायत में उठाने में कोई कमी नहीं रखेंगे। और सरकार अभी आपने बनाई है, आपके आशीर्वाद से मुझे तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य मिला। मैं आपसे वादा करता हूं कि झालावाड़ के विकास में सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं रहेगी। हम चाहे सीटें कम जीते हों, ज़्यादा जीते हों, लोकतंत्र है ये। लोकतंत्र की स्थापना भी महात्मा गांधी के ज़माने में कांग्रेस ने करी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद, अम्बेडकर साहब ने बनाया संविधान, तब से 70 साल में व्यवस्था कायम है। ये बहुत खुशकिस्मती की बात है कि देश 70 साल से ये मीटिंगों वाली व्यवस्था देख रहा, लोग जिसको कहते हैं लोकतंत्र, जिसमें अमीर और गरीब का एक वोट है, बराबर का वोट है। पाकिस्तान की तरह बार बार सैनिकों का शासन, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को जेल और जुल्फिकार अली भुट्टो को तो जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति थे उनको फांसी पर लटका दिया गया। वहाँ लोकतंत्र बार बार समाप्त हुआ। हमारे यहाँ पर चाहे इंदिरा गांधी जी ने जान दे दी और देश को एक रखा, अखंड रखा और खालिस्तान नहीं बनने दिया। इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, आज़ाद करवा दिया बांग्लादेश को हमारी फौजों ने, उनके पराक्रम ने, उनके शौर्य ने। इंदिरा गांधी ने कभी नहीं कहा कि मैंने करवाया है, उन्होंने कहा कि हमारी फौजें, एयरफोर्स हो, आर्मी हो, नेवी हो, बीएसएफ हो, पैरामिलिट्री फोर्सेज हो, वो बहादुर हैं। जब जब मुसीबत आई है देश पर, जब 62 पे चाइना के साथ वार हो, 65 की लड़ाई हो, जब लाल बहादुर शास्त्री जी थे प्रधानमंत्री, जय जवान जय किसान का नारा दिया, उस वक्त भी हमने छक्के छुड़ाए थे पाकिस्तान के। 71 में बांग्लादेश आज़ाद हुआ तो 93,000 उनके जनरल नियाजी जी के साथ में, कर्नल, मेजर, सैनिक सबके हथियार सरेंडर करवा दिए हमारी फौजों के सामने। पर इंदिरा गांधी ने कभी उसका राजनीतिक लाभ उठाने की बात नहीं करी, जो आज मोदी जी कर रहे हैं। जिस प्रकार से वे डींगा हाँक रहे हैं, जैसे कोई उपग्रह छोड़ रहे हैं तो उनको खुद छोड़ रहे होंगे।
सर्जिकल स्ट्राइक करी, वो खुद जाके आए हो सर्जिकल स्ट्राइक के अंदर, ऐसा माहौल बनाते हैं। बोलने की कला से, बोलने की कला से विकास नहीं होता है, बोलने की कला से देश एक बार खंड नहीं रहता है। खाली बोलने की कला काम नहीं आती है, आपके मन में क्या है, दिल में क्या है, भाव क्या है, कमिटमेंट क्या आपका गरीबों के साथ में, किसान के साथ में, मजदूर के साथ में, कितनी संवेदनशीलता है, कितनी प्रतिबद्धता है कि देश के लोगों के बारे में, तब काम चलता है। पर कांग्रेस ने कुछ नहीं किया 70 साल में, ये उनका जुमला इस चुनाव में, चाहे वो कितने जुमले बोलो, काला धन लेके आऊँगा, 1 रुपया नहीं आया। 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे, कुछ चर्चा ही नहीं करते वो अब चुनाव के अंदर, महंगाई कम कर देंगे, कोई चर्चा नहीं। खूब बड़ी बड़ी बातें की थी आतंकवाद को लेके, कश्मीर को लेके पिछले चुनाव में, पर आज मैं कह सकता हूँ आपको, पिछले चुनाव में भी चुनाव तो जीत गए थे वो, पिछले आपको मालूम होगा, मोदी मोदी के नारे लगे थे, बड़ा तूफान आया था, कामयाब हो गए थे, हम लोग चुनाव हार गए थे। ये डेमोक्रेसी है, भाई बाप आप होते हो, वो तय करते हो कौन सी पार्टी सरकार बनाए, कौन जीत के जाए, ये तय करने का काम आपका होता है। पर उस वक्त में भी 100 में से मोदी जी को खाली वोट मिले 31 वोट मिले, 31 69 वोट उस वक्त में खिलाफ पड़े थे। तो मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने के बाद सोचना चाहिए था, तो मैं लोगों को आह्वान किया है, वादे किए हैं, उस पर मैं जो लोग आलोचना करते हैं विपक्ष वाले, उनकी मैं बात सुनूं, सबको साथ लेके चलूं, सबकी सलाह से मैं शासन करूं, जो लोकतंत्र का कायदा होता है। अगर वही करते और घमंड हम किस बात का, जब वोट 31 ही मिले आपको 100 में से, 69 वोट खिलाए पड़े आपके, तो आपका फर्स्ट टाइम आप सबको साथ लेके चलते, तो वो नहीं चले। वो खाली जो है एक जुमला पकड़े, 70 साल में क्या किया कांग्रेस ने? अरे भाई 70 साल पहले झालावाड़ क्या था, मैं आया था 40 साल पहले, यहाँ पर वो दुलीचंद जैन साहब थे, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष थे 40 साल पहले, जब मैं NSU में था अध्यक्ष यहाँ का प्रदेश का, उनके घर ही रुका था मैं, याद है मुझे आज भी। यहाँ धूल बड़ी आंधी चलती थी झालावाड़ के अंदर, ना सुई बनती थी ना बिजली क्या होती लोग समझते थे आज़ादी के वक्त में, कहाँ से कहाँ मुल्क को ले गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो चाहे इंदिरा गांधी हो, लाल बहादुर शास्त्री हो, हर प्रधानमंत्री ने अपना योगदान दिया देश के अंदर। युद्ध हुआ हो 62 का हुआ चाइना के साथ में, 65 की लड़ाई हुई पाकिस्तान के साथ में, जय जवान जय किसान के नारे लगे लाल बहादुर शास्त्री के वक्त में, इंदिरा जी के वक्त में, बताया आपको बांग्लादेश आज़ाद हुआ, समय समय पर जिस प्रकार से हमारी फौजों ने पराक्रम दिखाया, शौर्य दिखाया, उसका कोई मुकाबला कर नहीं सकते। पाकिस्तान क्या चीज़ है हिंदुस्तान के सामने, बिना मतलब हवा खड़ा करते हैं, पाकिस्तान पाकिस्तान सभी के लिए सही कर दी। अरे जिस दिन हिंदुस्तान तय कर लेगा तो पाकिस्तान की बोलती बंद कर सकता है, इतनी ताकत हिंदुस्तान के अंदर है। तो मोदी जी पाकिस्तान के नाम से चुनाव जीतना चाहते हैं, ये बहुत बड़ा बहादुरी का काम कर दिया आपने। फौजों ने को सलाम करते हैं, जान को हथेली में रख के वो सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं, कितने लोग शहीद होते हैं, क्या बीती थी है उनके परिवार वालों पर। तो मोदी जी के राष्ट्रभक्त राजभक्ति की बात लेके आ गए, चुनाव आते थे मंदिर की बात लेके आते हैं, पहले गौ माता की बात लेके आते थे। अरे गौ माता को तो हम लोग दे रहे हैं, जिस प्रकार गौ सेवा को मदद कर रही है हमारी गवर्नमेंट, जो किसी गवर्नमेंट ने किया होगा, पर हम कभी नहीं कहते इस बात को। राजभक्त हम लोग राजभक्त नहीं, आप लोग यहाँ बैठे हुए हो, हमारी राजभक्ति को कोई चैलेंज कर सकता है हिंदुस्तान के अंदर? क्या बीजेपी का झंडा होगा उनके मेंबर होंगे तब राष्ट्रपति कहलाएंगे हम लोग? असली राष्ट्रपति तो आप लोग हो, जो कि तिरंगे झंडे को लेकर चलते हो, जिसकी आन शान बान जो आजादी पहले भी त्याग कुर्बानी का बलिदान का प्रतीक है। कितने लोग जेलों में बंद रहे,
पंडित नेहरू रहे थे ये लोग बंदर 12 साल तक, किसे कहते आज़ादी मिलना। पर ऐसा माहौल बना दिया कि कांग्रेस कुछ भी नहीं कह सकते थे। और ये जो जुमला है मोदी जी का, कुछ नहीं किया कुछ नहीं किया, इन चुनाव में मोदी जी की पार्टी को ले डूबेगा, मैं आपको कहना चाहता हूँ। 2 राउंड चुनाव हो चुके हैं देश के अंदर, 2 राउंड चुनाव हो चुके हैं, वहाँ सफल हो रहा बीजेपी का। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं लोग इनके असली समझ रहे हैं किस प्रकार के ये बातें करते हैं। अरे इंदिरा गांधी के जमाने में आपको याद है राकेश कुमार गया था चांद पर, इंदिरा गांधी ने पूछा राकेश कुमार को दिल्ली से आकाश में कि आपको हिंदुस्तान कैसा दिख रहा है, तो याद होगा आप वैसे उससे कहा था सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मोदी जी बस चलता तो सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा वाला भी कहते ये मेरी उपलब्धि है, मैंने सलाह दी थी बोलने के लिए उसको राकेश शर्मा, वो कह देते उनके बस चलता वो कह रहे थे उसे जो ऊपर से बोला था वो मेरी सलाह थी, तो कुछ भी कह सकते हैं कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री हैं कुछ भी कह सकते हैं कुछ भी कर सकते हैं चुनाव जीतने के लिए, साम दाम दंड भेद। नोटबंदी के बाद में पैसे की कमी उनके पास में नहीं है, इतना लूटा है देश को इनकी पार्टी लोगों ने, बड़े बड़े इनके 5-6 होटल के ऑफिस बन रहे हैं, दिल्ली में बना है उद्घाटन हो गया मोदी जी ने कर दिया, पर अपना ऑफिस शिफ्ट करने की हिम्मत तो नहीं हो रही है कि लोग क्या कहेंगे। ऐसे ऑफिस बने हैं 56 ऑफिस बने होंगे यूपी के अंदर, वो रवीश कुमार दिखा रहा था एक बार NDTV के अंदर। आप कल्पना करो पूरे देश में पैसा कहाँ से आ रहा है इनके पास, हमारे पास तो लड़ने के लिए पैसा नहीं, चुनाव लड़ने के लिए भी उद्योगपति पैसा दे रहे हैं मोदी जी की पार्टी को, चाहे बॉन्ड दो चाहे पैसा दो, डरते हैं कि कांग्रेस को दे दें हमारा पता नहीं मोदी जी क्या कर देंगे। जिस मुल्क में तो भय हो, घृणा का माहौल हो, हिंसा का माहौल हो, वहां लोकतंत्र मजबूत नहीं हो सकता। ये चुनाव लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है, ये चुनाव संविधान को बचाने का चुनाव है, देश को बचाने का चुनाव है। पूरी विपक्षी पार्टियां देश की एक सुर में कह रही है जो मैं बोल रहा हूँ, मैं उनकी भाषा बोल रहा हूँ जो मैंने सुनी उनके मीटिंग के अंदर, मैं खुद मीटिंग में मौजूद था वहाँ पर विपक्षी पार्टियों की मीटिंग के अंदर, मैं दिल्ली में यही महामंत्री था तब। तो आप सोच सकते हो कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, ये चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है, कृपा करके आप लोग कोई कमी नहीं रखें इस चुनाव में, आप कैसे कामयाब हम लोग उसमें आप हाथ के निशान पर बटन दबा कर कामयाब करें, जिससे कि आने वाले वक्त में और ज़्यादा हम काम कर सकें। अभी हमने राहुल गांधी जी ने जो मैनिफेस्टो बनाया है शानदार, जिसमें आपको कहा अभी किस प्रकार न्याय योजना 6,000 रुपये प्रति माह गरीबों के खाते में जाएगा, 72,000 प्रति वर्ष जाएगा, गरीबी हटाने के लिए बड़ा कार्यक्रम दिया गया नरेगा की तरह, नरेगा के 100 दिन के 150 दिन कर दिए गए हैं। स्वास्थ्य का अधिकार मिलेगा आपको, GST व्यापारियों के लिए सिंप्लीफाई करेंगे, उसको सरल करेंगे जिसकी तकलीफ उनको नहीं हो। किसान बजट बनेगा अलग से, ये अत्यार पहली बार अत्यारी काम होगा। रेलवे का बजट तो पहले रखा जाता था पार्लियामेंट में, पर किसानों का बजट अलग बनेगा, ये राहुल गांधी की सोच है। आप सोच सकते हो किस दिशा में देश को ले जाना चाहते हैं। किसान देश के अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी होती है, उनकी बजट अलग रखना के मायने होते हैं। पूरी बहस होगी पार्लियामेंट के अंदर, कोई बजट में बहस होगी फिर फैसले होंगे। तो मैं कहना चाहूँगा आपको कृपा करके कोई कमी नहीं रखें, मैनिफेस्टो शानदार है कांग्रेस का, जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है, अगर आप पढ़ेंगे अखबार में पढ़ा होगा आपने तो खुद देखेंगे क्या क्या स्कीमें लाए हैं, जबकि बीजेपी मैनिफेस्टो की चर्चा ही नहीं कर रहे, मोदी जी खुद भी नहीं कर रहे हैं, बीजेपी नेता भी नहीं कर रहे हैं। अगर चर्चा करें तो लोग याद दिला देंगे पिछली बार आपके वादे थे उनका क्या हुआ, क्योंकि ध्यान डाइवर्ट करने के लिए राजनीति कर रहे हैं।
इसको आपको हमको समझना पड़ेगा। हमने किसानों के ऋण माफ किए हैं, कृषि बैंक के, भूमि विकास बैंक के, और हम जल्दी ही जो नेशनल बैंक के, राष्ट्रीयकृत बैंक के हैं, उनमें जो लोग पहले हमने कहा था एनपी हो गए हैं, कर्जा चुका नहीं पाए हैं, चुनाव के बाद में हम लोग उनसे बातचीत चल रही है, नेशनल बैंकों के कर्जे माफ करेंगे, ये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ। आपको मालूम होगा हम लोगों ने पशुपालकों के लिए 2 रुपये दूध का बोनस दिया है, गेहूं के लिए 150 रुपये बोनस हमने पहले भी दिया था, याद होगा आपको, और आपको यहाँ की खुशी होगी, अब आपके घरों में गांव में पानी के बिल नहीं आएंगे, पानी हमने निःशुल्क कर दिया है पूरे प्रदेश के अंदर, ये भी हमने कर रखे हैं फैसला। इस प्रकार से गरीबों को 2 रुपये के बजाय 1 रुपये किलो गेहूं मिलेगा, 1,74,00,000 परिवारों को वो आदेश हमें जारी कर दिए। कृषि कनेक्शन के 5 साल तक कोई बिल नहीं बढ़ेंगे, ये घोषणा आप सुन चुके होंगे मुझसे पहले भी, और 1,00,000 कृषि कनेक्शन जारी कर दिए, वो काम चालू है। इस प्रकार से हमारे वक्त में जो हमने कहा वो करके दिखाया, और पिछली गवर्नमेंट थी आपके राजस्थान में वसुंधरा जी की, हमारे परवन नदी में बांध का बीड़ा उठाया, तो वो जन बहन है, मुझे बहुत दुख कहते हुए कि 5 साल निकाल दिए, जिस तेज गति से काम होना चाहिए था, रिफाइनरी हो, चाहे वो परवन नदी में बांध हो, ब्रोहरगढ़ आदिवासियों की, चाहे करौली टाउन जुड़ने की बात हो, पता नहीं किन कारणों से उन सब कामों को बंद कर दिया गया। लोगों ने सबक सिखा दिया है, सरकार चली गई, आपके आशीर्वाद से सरकार कांग्रेस की बनी है। मैं आपसे अपील करूंगा कि आप कोई कसर नहीं छोड़ें, चुनाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, मोदी जी कई तरह की बातें भी करेंगे, अब ओबीसी की बातें क्या आ गई, मैं ओबीसी का हूँ इसलिए मुझ पर अटैक करें राहुल गांधी का, अरे भाई मैं भी ओबीसी का हूँ, मैं तो कभी नहीं कहा। आपने आलोचना करी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की, तो किसी ने नहीं कहा कि आप सिख समाज की बेइज्जती कर रहे हो, आप कह रहे हो मेरी बेइज्जती कर रहे हैं, मेरी कौम की बेइज्जती कर रहे हैं, ओबीसी की बेइज्जती कर रहे हैं, ओबीसी के लोगों को गुमराह करने का क्या तरीका यही होता है? ये प्रधानमंत्री के मुंह से शोभा देता है, प्रधानमंत्री पर गरिमा होती है, प्रधानमंत्री जब बोलते हैं तो लाखों लोगों के दिल को छूने वाली बात होनी चाहिए। हाँ भाई सुहानी बात, अच्छी बात करी है, शिक्षाबद्ध बात करी है, गर्व करने वाली बात करी है, संदेश दिया है, हमें अपनाना चाहिए, ये भावना निकलनी चाहिए, दिलों से निकलनी चाहिए। तो प्रधानमंत्री को चिंता नहीं है, वोट लेने की चिंता है, इसलिए प्रधानमंत्री नई नई बात लेके आते हैं। लोकपाल 5 साल तक लटका रखा, अब जाकर के बना सुप्रीम कोर्ट का आदेश से, उसके लिए तो सरकार बदल गई हमारी यूपीए की, लोकपाल 2G स्पेक्ट्रम कोलगेट वो कहाँ चले गए, बदनाम किया कांग्रेस को, यूपीए गवर्नमेंट को, मनमोहन सिंह जैसा इंसान छाप है, सोनिया गांधी जी ने जिस प्रकार से कांग्रेस एकजुट रखा, नरेगा में क्या है हम लोग ऐतिहासिक काम था, शिक्षा का अधिकार दिया, सूचना का अधिकार, फूड सिक्योरिटी एक्ट लाए, 2 रुपये किलो गेहूँ पूरे देश में, 3 रुपये किलो चावल, ये तमाम चीजें कांग्रेस की यूपीए गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में कानून बना के दिए पहली बार देश को, जो कम बात नहीं थी। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आप लंबे समय से बीजेपी को कामयाब करता आए हो, ये मौका अच्छा है एक बार कांग्रेस के हाथ के निशान पर आप कामयाब करो, जिससे कि आने वाले वक्त में आप खुद देखेंगे कि तेज गति से आपका विकास होगा, और प्रमोद शर्मा के साथ हम लोग सब खड़े मिलेंगे, आपको जो काम लेके आएगा आपका वो सरकार उन कामों को पूरा करेगी, वो आपके शुद्ध रूप में कराएंगे, और पूरी टीम बैठी है यहाँ पर, पूरी टीम लंबे समय से देख रही है हम कामयाब क्यों नहीं हो पा रहे, कुछ गलती हमसे हुई होगी, जो काम करता है उसे गलती भी होती है,
लंबे समय तक शासन किया कांग्रेस ने, जो काम करता उसे गलती होती, काम करता ही नहीं उसे क्या गलती होगी। हमने काम किए, हो सकता आपका हमने ध्यान नहीं रखा होगा, ध्यान रखा होगा, सबूत नहीं ली होगी, उस कारण से। पर ये मौका है वापस मजबूत करने का, मैं आपसे बार भी अपील करूंगा, कोई कमी मत रखना और जम करके आप इस बार प्रमोद शर्मा को कामयाब करो, ये मेरी आपसे अपील है। और यही बात कहता हूँ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इस बार आप पार्लियामेंट कांग्रेस को जिताओगे। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद, धन्यवाद। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आप सुन रहे थे, झालावाड़ में थे। और अगर झालावाड़ की बात की जाए तो ये पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का गढ़ भी कहा जाता है। और इस पर सेंध लगाना वाकई में एक चुनौती कांग्रेस के लिए, क्योंकि लंबे समय से बीजेपी का यहां पर राज भी रहा है, लेकिन फिलहाल कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में यहां पर चुनावी सभा थी और उसी के समर्थन में वोट की अपील मुखिया अशोक गहलोत करते हुए नजर आए। इतना ही नहीं, राहुल गांधी को लेकर उन्होंने कहा कि तमाम योजनाएं जो है वो कांग्रेस सरकार लेकर आएगी, क्योंकि राहुल गांधी जो है वो गरीबों के हित में सोचते हैं, किसानों के हित में सोचते हैं। और उन्हीं मुद्दों पर बात की जो फिलहाल ग्राउंड लेवल पर झालावाड़ में, हाड़ौती में नजर आते हैं। इससे पहले कोटा में भी आपने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सुना था और वहां पर भी वो केंद्र सरकार